इसके आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमें अमेजोन से मिला है 1250 रुपये का। एम आर पी इस पे है करीबन 1450 रुपये। और ये 2000 वाट और 1000 वाट दो तरह के पावर कंज्यूमेशन में चलता है। प्रॉपर मेड इन इंडिया का क्यूआर कोड है। तो आप इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये आज हमारे पास आया है। और जब विंटर से समर से कन्वर्ट होते हैं सीजन, गर्मी से सर्दी, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं अनबॉक्सिंग करके इसमें क्या है, क्या प्रोडक्ट आया है। तो ये सिंपल सा है, सिंपल सी प्लास्टिक बॉडी है। इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पीछे रख लें। तो ये इसमें से निकला है एक जस्ट ऑर्पेट का काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक इससे कुछ सस्ता मॉडल भी है जो करीबन 100 रुपीज़ के आसपास, इससे सस्ता है शायद। आगे से भी अच्छा मॉडल है ये देखने में। ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पहला कंट्रोल्स है इसकी फैन स्पीड के लिए, कितना चाहिए स्लो या फास्ट जैसा भी। उसके बाद दूसरा कंट्रोल है, ये जो लाइन दिख रहे हैं ये ज़ीरो पर है ऑफ, ये इवन पे कर देंगे तो केवल इसके फैन चलेंगे, हवा देने के काम करेगा ये। इसके बाद ये यहाँ कर देंगे तो 1000 वोट की पावर कंज्यूमेशन करेगा और हीटिंग देगा। यहाँ कर देंगे तो पूरी 2000 वाट की पावर कंज्यूमेशन करेगा और हीटिंग देगा। तो यहाँ से इसके कंट्रोल है भी, जितनी आपको हीटिंग चाहिए उसके हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ऑर्पेट कंपनी का है, भरोसा। ये वारंटी कार्ड इसके साथ आता है, इसको आप भर सकते हैं परचेज डेट वगैरह और इसके सर्टिफाइड के लिए। तो इसको हम चला के देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो प्लग है वो नॉर्मल प्लग नहीं है, ये पावर प्लग है। ऑर्पेट की ओरिजिनल पावर कोड है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको घर पे अगर आपके इस तरह से नॉर्मल प्लग लगा हुआ है तो इसमें ये नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको पावर प्लग चाहिए। अब ये प्लग इसमें लगेगा नहीं, प्लग नहीं होगा। इसके लिए जो प्लग भी चाहिए वो हमें पावर प्लग चाहिए। तो पावर प्लग जैसे मेरे पास घर पे है, मेरा एसी लगा हुआ है, इस एसी के जगह मैं इसको यूज़ करूँगा। फिर इसको देखते हैं चला के इसकी हीटिंग क्या है। तो ये हमने इसे लगा दिया है मेरे एसी वाले स्लॉट में जहाँ हमने एसी लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे घर पे पावर प्लग यहीं पे था। तो इससे मैंने इसकी पावर कॉर्ड दी है और अभी हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये एक नंबर पे खाली फैन फैन चलेगा। ये देखिए, ये इसकी स्पीड एडजस्ट कर दी मैंने। पहली नॉब को केवल फैन मोड पे रखा है और दूसरी नॉब से उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी ठंडी हवा दे रहा है, कुछ भी नहीं है, केवल इसका फैन ऑन हुआ है। तो इसकी स्पीड हम राउंड राउंड डाउन भी कर सकते हैं इस नॉब्स को मूव करके अप एंड डाउन। यहाँ पे इसकी बिल्कुल स्लो हो गया है। तो जब भी आप फैन ऑन कर देंगे तब भी फैन ऑन नहीं होगा, उसको यहाँ से रिड्यूस करके फैन को ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, और फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं इसकी स्पीड, और कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी 1000 वोट की हीटिंग पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हीट देता है। तो इससे इंस्टेंट इमिडिएटली काफ़ी गर्म हवा आने लग गई है हाथों हाथ। मेरे रूम का टेम्परेचर मेरी घड़ी बता रही है 27, और इसने इंस्टेंटली हाथों हाथ ही काफ़ी, इसके आगे हाथ नहीं कर सकते इतनी गर्म हवा दे रहा है ये। और अभी इसे सिर्फ मैंने 1000 वोट पावर पे चलाया, ओनली 1000 वोट, और ये इंस्टेंटली हीट हवा हीट दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीट है। मैं इस हाथ को इसके सामने नहीं रख पा रहा हूँ,
काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इस कॉस्ट में। आप देख सकते हैं इसके सामने की जो रेडिएटर टाइप जो हीटिंग कॉइल्स है वो लाल भी नहीं हुई है, मगर ये हीटिंग दे रहा है। हमने इसकी सिर्फ 1000 वोट की पावर ही ऑन की है, दिखा सकते हैं बार बार, केवल 1000 वोट। हमारे पास जो इस सप्लाई की स्टेबलाइजर है वो भी विद एम्पियर है, तो हम बाहर अभी देखते हैं कि इसने स्टेबलाइजर पर लोड भी कितना दिया है, 1000 वोट पे कितना एम्पियर ये खपत कर रहा है। जो लोग टेक्निकल है उन्हें पता होगा एम्पियर क्या होते हैं, तो एसी में भी हम देख पाते हैं और हमारे स्टेबलाइजर अब इसका लोड भी बता देगी। ये हमारी स्टेबलाइजर जिसके लोड पे चल रहा है इस समय, इसमें इनपुट फिर लोड दिखाएगा, 3.6 एम्पियर ये लोड ले रहा है 1000 वोल्ट पे, या आउटपुट वोल्टेज तकरीबन 1000 वोल्ट पे ही इसने काफ़ी हिट दिया है और कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इस कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट। वारंटी है अभी तक रूम टेम्परेचर 27 ही है, क्योंकि मैंने इसको 1000 वोल्ट पे चला रखा है। अभी इतनी सर्दियां भी नहीं आई है, सर्दियां भी काफ़ी कम हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी, पर फिर भी अभी आया था, हमने इसकी अनबॉक्सिंग की, इसका हीटअप चेक किया, इसको 2 वैल्यू पे देखते हैं। अब इसने बहुत ज़्यादा हीट देना शुरू कर दिया है रूम में, बहुत ही ज़्यादा, पहले 1000 वोल्ट में भी हाथ नहीं लगा पा रहे थे, अब 2000 वोल्ट जब इसने पूरी पावर यूज़ करनी शुरू कर दी तब तो हाथ भी नहीं लगा पा रहे। तो इसमें ऑटो कट भी है, अगर रूम लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, फिर आपको इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। ऑटो कट सिस्टम भी है इसमें, इसका फ़ैन अभी बंद हो गया था कि अगर आप फ़ैन को ज़्यादा स्लो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कट भी हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी फ़ैन के RPM थोड़े और तेज़ किए हैं ताकि ये कट ना हो, पर ये 2000 वोल्ट पे पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी मैं आपको एम्पियर दिखाऊंगा कि अब ये कितना लोड ले रहा है 2000 वोल्ट पे। ये देखिए अब 2000 वोल्ट पे चल रहा है, ये इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं, अभी एम्पियर वोल्टेज आएंगे, एम्पियर दिखाएंगे आपको वोल्टेज के बाद। ये देखिए 7 एम्पियर 7.1। तो जैसे ही हमने इसके 2000 वोल्ट की पावर कंज्यूमेशन शुरू की तो इसने लोड भी 3 एम्पियर से पूरा 7 एम्पियर तक ले गया। तो ये जितनी आप पावर कंज्यूम करवाना चाहें इससे करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरा कमरा शायद 10x15 का है, मुझे नहीं लगता कितनी भी सर्दी हो इसमें हमें 2000 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा, वह 1000 वोल्ट सफिशेंट है, कमरा हीट हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेरी गुड प्रोडक्ट है, अमेज़ोन से लिया है मैंने, वैल्यू फॉर मनी है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और पेट का। मैं और मेरे चैनल पे आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बनाएं ताकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए और भी ला सकूं। एक चीज़ और, इसके नीचे एक अच्छा स्टैंड भी दिया हुआ है देखिए, जिसके थ्रू ये सरफेस से थोड़ा अप है, प्लस इसी स्टैंड में एक और क्वालिटी दी है कंपनी ने, जो इसकी वायर है जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसकी वायर आपने हटा दी, इसकी वायर को, तो ये देखिए ये हीटर अभी चल रहा है, ऑफ कर दिया हमने और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, ये इसकी बॉडी अच्छी है। और इसके बाद ये देखिए नीचे काफ़ी अच्छा कंपनी ने बनाया है, इसका सरफेस है, इस सरफेस में क्या है, आप इसी की वायर को जब आपने इसको होल्ड करके रखना है तो इसी की वायर को किसी सरफेस में ऐसे कवर कर सकते हैं ताकि इसके वायर ख़राब ना हो। और ये बड़ा ही सुंदर कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है और आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं ऐसे।